एक किसान का घर था जहाँ पर पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे। भगवान ने धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ था उनके पास, रुपया पैसा, परंतु उनके पास पता है क्या नहीं था? उनके पास उनके आंगन में किलकारी मार करके खेलने वाला आंचल का छैया नहीं था, गोद में कोई संतान नहीं। इसलिए वो पति पत्नी निराश रहने लगे, दुखी रहने लगे। होता है ना, कई माताएं अगर गर्भ को धारण ना करें ना, तो बाहर की जरूरत नहीं, घर की सासू माई कह देंगी, अरे मुझे पता है, जो स्त्री गर्भ को ना धारण करे, जो घर का दीपक ना दे सके, वो स्त्री नहीं, वो तो कहते नहीं लक्ष्मी नहीं होगी, वो तो कुलक्षणी कही जाएगी। लेकिन महाराज समझिएगा, पति पत्नी थे, प्रातः काल एक संत का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? संत का आगमन हुआ। अब मेरी माताएं भाव को समझिएगा, अगर आपके यहाँ तीन लोग आ रहे हैं, कौन? पहले तो अगर आपने अपने कन्या का विवाह कर दिया, उसके हाथ पीले हो गए, वो ससुराल चली गई, अगर वो ससुराल से आपके घर में आ जाए, तो समझ जाना कि मेरे कुल में, मेरे घर में कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी नगर में या आपकी सोसाइटी के नजदीक कहीं गए, मतलब हाथी आ जाए, तो समझ जाना कुछ बढ़िया होने वाला है। और अगर आपके दरवाजे पे कोई संत आ जाए और वो भी बिना बुलाए, तो समझ जाना क्या कि अब कुछ बढ़िया होने वाला है। मेरे गुरुदेव कहते थे, राज अगर संत का आगमन हो जाए तो संकेत समझ लेना कि भगवंत कृपा करने वाले हैं, भगवंत की कृपा बरसने वाली है। एक दिन प्रातः काल वो माँ जो गर्भ को नहीं धारण करती थी, वो स्त्री घर में पोंछा लगा रही थी, होता नहीं लिपते हैं गोबर लेकर के, वो पोंछा लगा रही थी। एक संत का आगमन हुआ। संत ने कहा, माताम भिक्षाम देवी। ये स्त्री को क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आ गया? मुझे माताम भिक्षाम देवी कह रहे हो, माँ तो मैं बनी नहीं आज तक, मेरे अंदर क्या है ऐसा कि मैं आपको धन दूं, मैं आपको भिक्षा दूं? क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे आंगन में कोई दीप नहीं है। संत ने थोड़ा हंस दिया। संत को हंसता देख के स्त्री को क्रोध आ गया। संत ने कहा, एक नहीं सात सात जन्म तक ना होंगे। स्त्री को क्रोध आया। स्त्री जिससे लीप रही थी, पोंछ रही थी, पोछा होता है ना घर में लगाती है, उसे पोता बोलते थे पहले गाँव, तो वही उठा करके उछाल दिया संत के ऊपर स्त्री ने, और संत ने अपने हाथ में ले लिया। महाराज जब हाथ में लिया तो संत ने कहा, हे माँ, तू जिस पोछा को यानी पोता को मेरे को मार रही है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ये तेरा पोता तुझे वापस करता हूँ। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए, स्त्री रोने लगी। 9 महीने बाद स्त्री के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और जब बालक का जन्म हुआ तो सबसे माता जी कहती मोहल्ले में, अरे मैंने संत का अपमान किया तो मेरे घर में लाल आ गया, अगर संत को मैं भाव से भिक्षा दे देती तो मेरे आंगन में शायद आज ध्रुव और प्रह्लाद थे। तो ये संतों की भक्ति खाली नहीं जाती, याद रखना, बड़े भाग्य से कृपा मिलती है, और सबको कृपा मिलती भी नहीं है, कृपा केवल उनको मिलती है जिनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा मेरे शंभू की होती है, सरकार।